बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमारे इस वीडियो से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। एक और बाबा जी अपना कारनामा सरंजाम दे गए। वीडियो को एंड तक लास्ट देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वायरल पाक टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फेसबुक पर भी आसानी देखने को मिल सकें। तो देख लें ज़रा इस वीडियो को भी। यहाँ पर आपको ये बुज़ुर्ग बैठे नज़र आ रहे होंगे इस लड़की के साथ। जनाब वाला, ये इनकी बीवी हैं। और मोहतरम को जब इजाज़त मिल जाती है कि हो गया जी आपका निकाह, हो गई आपकी शादी, उसके बाद ये फूले नहीं समाते और वो लड़की भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती है। उम्र के इस हिस्से में भी निकाह और दूसरी तीसरी या चौथी शादी एक हैरानपन चीज़ भी है। और साथ में मेन चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती की शादियाँ भी कर दी जाती हैं, जो कि सोसाइटी में बुराइयों को जन्म देती हैं। और अगर ख़रीद फरोख्त का मामला है तो फिर तो और भी बड़ा जुर्म है। खैर, हर किसी का अपना नसीब है। यहाँ पर नौजवानों की शादियों में लेट किया जाता है, लड़कियों की शादियाँ इस तरह के बुढ़ों से कर दी जाती हैं। आमिर लियाकत जैसे बूढ़े उठ के नौजवान लड़कियों से शादी करते हैं, कवारों के तो दिल चलेंगे। इस्लाम कफ़ की बात करता है, यानी बराबरी की बात करता है। वो उम्र, हसब नसब, आबो अजदाद और हर चीज़ पर बराबरी की तलकीन करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ये वालदेन की तरफ से नाइंसाफ़ी होगी। और दुनिया में तो शायद कोई भी बच्ची, कोई भी नौजवान किसी भी जुल्म को सहले, लेकिन आखिरत में वालदेन को हिसाब लाजमी देना होगा, माशरे को हिसाब लाजमी देना होगा। किसी मजलूम का सहारा बनना तो बेहतर है, लेकिन ज़बरदस्ती या पैसों के ज़रिए किसी लड़की को ख़रीदना वक्त के साथ बुराई को जन्म दे सकता है। आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।